आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आम बच्चा एक खास बच्चा बन सकते हैं, कैसे एक आम बच्चा अपनी क्लास के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, कैसे एक आम बच्चा अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेहतरीन मार्क्स सिक्योर कर सकता है, कैसे एक आम बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकता है। साथियों, हर बच्चे के अंदर अपनी एक खूबी होती है, हर बच्चे के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है जिसे हम गॉड गिफ्ट नाम से भी पुकार सकते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट होता क्या है? एक्चुअल में गॉड गिफ्ट एक स्वाभाविक क्वालिटी है। गॉड गिफ्ट एक ऐसी क्वालिटी है जो बच्चे के अंदर एक व्यवहारिक रूप से अपने आप किसी कार्य को करने के लिए आकर्षित करती है। तो साथियों, हर बच्चे में एक क्वालिटी रहती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हर बच्चा अपनी एक यूनिक क्वालिटी रखता है। तो आप दो तरीके के साथ खुद को अपने जीवन में आगे ला सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप अपने शौक के अनुरूप अपना जुनून पैदा करें, अपने शौक के अनुरूप जिस क्षेत्र के अंदर आपको शौक है, जिस क्षेत्र के अनुरूप आप में खूबियाँ हैं, जिस क्षेत्र के अनुरूप आप खुद को ढालना चाहते हैं, और ये वो क्षेत्र आपका एक सही विकल्प हो सकता है। दूसरा, आप किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रतिशील हों, क्योंकि कई बार अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक हालातों के अनुसार अपने शौक के विपरीत काम करना पड़ता है। तो क्या हम उसमें सफल हो सकते हैं? हो सकता है कि किसी बच्चे का पढ़ाई में शौक नहीं है, उस बच्चे का शौक खेल कूद में है, तो क्या वो बच्चा पढ़ाई में कामयाब हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो साथियों, इसका सीधा सा उत्तर है हाँ, सीधा सा उत्तर है हाँ, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है अगर मेरा दिया हुआ ये एक फार्मूला अगर बच्चा अपने दिमाग में बिठा ले, तो मैं 100% अश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि बच्चा पढ़ाई के अंदर भी बहुत ही ब्रिलियंट रूप से आगे आ सकता है, चाहे उसका उसमें शौक है या नहीं है। तो वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है एक्स्ट्रा एफर्ट। क्योंकि आप सोचो कि जो खूबी आप में नहीं है, जिस क्षेत्र का शौक आप में नहीं है, तो उस शौक को पैदा करने के लिए और उस क्षेत्र के अनुरूप मेहनत करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, आपको ईश्वर ने खुद को बदलने की भरपूर शक्तियां दी हैं, और आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें, इतना करें कि जो आपका शौक नहीं भी है वो आपका शौक बन जाए, आपकी आदत बन जाए, फिर देखना आपको दुनिया की कौन सी ताकत जीवन में सफल होने से रोकती है। इसलिए अपने दिमाग से यह भ्रम हमेशा के लिए निकाल दें कि आप यह नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, दोबारा नोट करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, क्या कौन सा मंत्र बताया मैंने आपको? एक्स्ट्रा एफर्ट। इस मंत्र को नोट कर लो, इस मंत्र को जितना हो सके रट लो, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आप भी बन सकते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप भी ले सकते हैं 90% से ऊपर मार्क्स, आप भी कर सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी क्लास के अंदर। तो साथियों, लेकिन इस फार्मूले को ना भूलें, इस फार्मूले को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, इस सोच को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि आपको जब भी अपने शौक से बाहर निकल कर काम करना पड़ता है, तो आपको इस फार्मूले को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और वो फार्मूला है एक्स्ट्रा एफर्ट। इस एक्स्ट्रा एफर्ट को अपने दिमाग में बिठा लो, इस फार्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो, और आप तब तक मेहनत करें, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, जब तक कि आप उस काम के प्रति खुद को अनुकूल ना बना लें, उस काम के प्रति खुद को फ्रेंडली ना बना लें। उस काम को जब भी आप किसी काम को बार बार करेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करेंगे, तो साथियों एक दिन आप उस काम के
एडिक्ट हो जाओगे। तो ये था एक बेहतरीन फार्मूला एक्स्ट्रा एफर्ट का। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। तो इसी के साथ इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।